नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास 10th मैथ का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का क्वेश्चन 57 से देखने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में दोस्तों क्वेश्चन 56 से देख लेते थे, आप लोग नहीं देखे हो तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि पहले उस वीडियो को जाकर देखिए, तब ये सीरीज आप लोगों को अच्छा से समझ में आएगा। इसमें हम लोग कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ के, क्या कह रहा है, के का वैल्यू फाइंड कीजिए सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ के प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 2 टाइम्स 2 के माइनस 1 हैज सम ऑफ इट्स जीरोज इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। क्या कह रहा है दोस्तों कि ये हम लोगों को एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल दिया गया है जिसका कह रहा है कि सम जो है किसके इक्वल है, हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट के। सम ऑफ जीरो जो है किसके इक्वल है, हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट के इक्वल है। बताना है के का वैल्यू क्या होगा। और ये क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे गिवन पॉलीनोमियल्स, लिखेंगे गिवन पॉलीनोमियल्स। देखिए क्या दिया गया हम लोग को, एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 2 टाइम्स 2 के माइनस 1 दिया गया। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए लिखेंगे हम लोग यहाँ पे हियर, ये क्या होता है, ए होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट, यहाँ नहीं कुछ है तो यहाँ पर हो जाएगा 1। बी क्या होता है एक्स का कोफिशियंट, एक्स का कोफिशियंट यहाँ पे है माइनस ऑफ के प्लस 6 माइनस ऑफ के प्लस 6। एंड सी क्या होता है जो कॉन्स्टेंट है यानी कि 2 टाइम्स 2 के माइनस 1। अब दोस्तों यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं कि अल्फा एंड बीटा इसका जीरोज है, लेकिन लेट अल्फा एंड बीटा आर दी जीरोज ऑफ दी गिवन पॉलीनोमियल्स, गिवन पॉलीनोमियल्स। दोस्तों देखिए हम लोग कह रहा है कि सम ऑफ जीरो जो है, देखिए सम ऑफ जीरोज इक्वल टू हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये हम लोगों को दिया गया है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये हम लोगों के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से दिया गया है। देखिए यहाँ पे सम ऑफ जीरोज इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। अब तो देखिए सम ऑफ जीरोज मतलब क्या हो गया, सम ऑफ जीरोज मतलब हो गया अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हाफ, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब हो गया अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ से वैल्यू पुट कर दीजिए, देखिए यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना होता है, माइनस बी अपॉन ए इक्वल टू 1/2, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू होता है सी अपॉन ए। अब यहाँ पे सॉल्व कर दीजिए, यहाँ पे देखिए तो माइनस बी, बी का वैल्यू कितना है, देखिए बी का वैल्यू है हम लोगों को माइनस ऑफ के प्लस 6, यहाँ लिख लीजिए कि माइनस ऑफ, ये माइनस था एज इट इज, बी का वैल्यू है हम लोगों को माइनस ऑफ, यहाँ इंटू लगाइए, यह माइनस ऑफ के प्लस 6 अपॉन में ए, ए का वैल्यू कितना है 1 इक्वल टू 1/2, सी, सी का वैल्यू है हम लोगों को यहाँ पे 2 टाइम्स 2 के माइनस 1, यहाँ पर लिख लीजिए 2 टाइम्स 2 के माइनस 1, अब बाई में ए, ए का वैल्यू कितना है 1 है। इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस के प्लस 6 इक्वल टू, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा 2k-1। अब इससे आगे देखिए तो k वाले टर्म को एक साथ लिया, तो हो जाएगा k प्लस 2 के लेफ्ट में आएगा तो जाएगा माइनस 2k इक्वल टू माइनस 1, अब प्लस 6 को राइट साइड में ले जाएगा तो जाएगा माइनस 6। नेक्स्ट स्टेप में देखिए k में से 2k जाएगा तो जाएगा माइनस के इक्वल टू माइनस 1 माइनस 6 हो जाएगा माइनस 7, ये माइनस माइनस यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली दोस्तों k का वैल्यू कितना आ गया 7, और ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 57 का। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 57 आप लोगों को समझ आ गया होगा, बहुत आसान इस तरह क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।